राष्ट्रीय एकता दिवस पर मंत्रालय में अधिकारियों कर्मचारियों ने ली एकता दिवस की शपथ। मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने दिलाई उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ। प्रदेश भर में एकता दिवस के रूप में मनाया गया लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस। राज्य के सभी जिलों में रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन। जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। वाहनों के दुरुपयोग पर 8,743 प्रकरण हुए पंजीबद्ध। कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से 24,229 गैर जमानती वारंट किए गए तामील। 2,253 हथियार किए गए जब्त। प्रदेश भर में सुगम मतदान की अवधारणा को साकार करने निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे कई कार्यक्रम आयोजित। दिव्यांग मतदाताओं के लिए अनूपपुर में कार्यशाला का किया गया आयोजन। दिव्यांगों को मतदान के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं की दी गई जानकारी। प्रदेश भर में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के 63वें स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं और बधाई। राज्य को स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण संरक्षित राज्य बनाने का किया आह्वान। नक्सली हमले में शहीद हुए डीडी न्यूज के कैमरामैन अच्युतानंद साहू को राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। राजधानी के रविन्द्र भवन में भी स्वर्गीय साहू को श्रद्धांजलि देने कार्यक्रम आयोजित। नक्सल हमले में दिखा डीडी की टीम का जज्बा और साहस। डीडी न्यूज टीम के सहयोगी मोर मुकुट शर्मा ने घटना में घिरे होने के बावजूद मां को संदेश देने वाला बनाया भावुक वीडियो। गोलीबारी के बीच घटना के हालातों को दिखाता वीडियो हुआ वायरल। प्रदेश भर में सिनेमाघरों की हड़ताल खत्म। कल से रिलीज होंगी नई फिल्में। फिल्म प्रोड्यूसर्स फिल्में रिलीज करने के लिए हुए तैयार। कुछ पुरानी फिल्मों के रिलीज ऑर्डर भी किए गए जारी। रेलवे ने 15 ट्रेनों से पूरी तरह हटाया फ्लेक्सी फायर सिस्टम। 32 ट्रेनों से भी हटाया गया आंशिक फ्लेक्सी फायर। बुकिंग बढ़ाने के लिए विशेष छूट भी की शुरू। पिछले साल औसत मासिक बुकिंग कम होने के चलते हटाया फ्लेक्सी फायर। राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह और शाम के वक्त होने लगा गुलाबी ठंड का एहसास। शनिवार से दिन और रात के तापमान में और भी ज्यादा गिरावट के आसार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी का अनुमान, जिससे बढ़ेगी प्रदेश में भी ठंड। राजभवन में आज से ई ऑफिस व्यवस्था की हुई शुरू। अब कंप्यूटर के माध्यम से ही होंगे फाइलों का मूवमेंट। राजभवन के सभी अधिकारी कर्मचारियों को दिया गया ई ऑफिस व्यवस्था का प्रशिक्षण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर से आमजन के लिए भ्रमण हेतु खोला राजभवन। हर सप्ताह के मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक राजभवन खोलने के दिए निर्देश। स्कूली छात्र छात्रा सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कर सकते प्रवेश। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए रेलवे द्वारा चलाई जा रही कई स्पेशल ट्रेनें। मुंबई के लिए 2 से 18 नवंबर तक रहेगी स्पेशल ट्रेनें। जम्मू तवी से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई तक चलने वाली इस ट्रेन का 4, 11 और 18 नवंबर को सुबह 6:30 बजे रहेगा भोपाल में हॉल्ट। पेट्रोल की कीमतों में आज फिर हुई कटौती। दिल्ली में 18 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल। डीजल के दाम मंगलवार के रेट पर ही स्थिर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में कटौती का दिख रहा असर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतिम वनडे मुकाबला आज। पिछला वनडे जीतकर भारत जीत में 2-1 से आगे। आखिरी मैच जीतकर वेस्टइंडीज भी करना चाहेगा सीरीज को बराबर।